जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो ये वीडियो लेके हूँ ये है फायरमैन की भर्ती को लेके, जो अभी नई भर्ती आई है उसी को लेके वीडियो है। और काफी दोस्त सोच रहे होंगे मैं काफी दिन से वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है वो इतना बिजी हो गया था, मैं वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं दे पाता था। तो फिर मैंने कल ही लाइव भी आया था, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं आया। तो अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं चलो वीडियो बना लेते हैं और दोस्तों को जानकारी देते हैं। और जिस दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं जो जेन्युइन जानकारी होती है वही आपको देता हूँ। और काफी दोस्तों ने मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप में या वैसे पर्सनली टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रखे हैं भर्तियों को लेके, जो पीछे रिजल्ट आया एएससी के बारे में पूछ रहे हैं काफी दोस्तों मेरे को। एएससी जो बंगलोर की भर्ती हुई थी तो उसके बारे में, उसका रिजल्ट आ चुका है लेकिन लिस्ट नहीं आई है, डायरेक्ट उनके लेटर भेजे गए अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये जो एससी वाले हैं वो दोस्त ध्यान कर ले। और काफी दोस्त जो एससी वाले हैं वो भी मेरे से मैसेज कर रहे हैं, सर एनएससी खत्म होगी क्या, हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एनएससी खत्म हो गई है तो रिन्यू करवाने का काम यूनिट का और रिकॉर्ड का वो अपने आप करा लेंगे, आपकी ज्वाइनिंग 101% होगी। तो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी काफी टाइम से ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहे हैं, तो वो नवंबर 15 नवंबर के बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे, तो आप चिंता ना करें। और काफी दोस्त अभी जो फायरमैन की भर्ती आई है ओडिशा में, जो एयर डिफेंस का कॉलेज है वहां पे फायरमैन की भर्ती आई है और 15 पोस्ट है। बाकी फायरमैन के लिए आपको पता ही है क्या क्या एलिजिबल का क्राइटेरिया रहता है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लेना, फिजिकल की, रिटन एग्जाम की और मेडिकल की। जहाँ तक फिजिकल की बात है, आपको फिजिकल का पता ही है, जो 1600 मीटर रनिंग होती है 6 मिनट के अंदर, और बाकी जो भी डिटेल है मैं आपको अभी नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बता दूंगा। तो भी आप ये नोटिफिकेशन देखिए, और जिस दोस्त को फॉर्म वगैरह चाहिए या ये नोटिफिकेशन देखना है वो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर ले, उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और जो फॉर्म चाहिए वो भी आपको उसके माध्यम से मिल जाएगा। जो ये वैकेंसी निकली है ये निकली है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो आप ये देख सकते हो आर्मी एयर डिफेंस के अंदर। तो ये आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोलबंदा, ये गंजाम है, ये डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है और टोटल वैकेंसी 15 है फायरमैन की, 15। 7 UR की है, SC की 2 है, ST की 1 है और OBC की 4 है, और जो EWS है उसकी 1 है, और इनमें से एक एक्सेसमैन के लिए रिजर्व है। तो ये है वैकेंसी, इसमें एज का क्राइटेरिया रहेगा आपका जनरल और EWS के लिए 27 साल 18 से, और SC ST के लिए 32 साल और OBC के लिए 30 साल, एक्सेसमैन के लिए अलग से है। और आपकी पे रहने वाली है ये 19,900 से 63,200, ये बेसिक पे होती है, ये लगभग आपकी 33 से 34 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी पड़ेगी। और इसके लिए फिजिकल का क्राइटेरिया आपको पता ही है, हाइट होनी चाहिए आपकी 165 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर की ST वालों को छूट है। आपकी चेस्ट बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका कम से कम वेट 50 kg होना चाहिए। और आपको ये फायरमैन लिफ्टिंग होती है एक, मतलब फायरमैन लिफ्टिंग करनी है, 63 kg वेट को लेके जाना है 183 मीटर 96 सेकंड में, और आपको क्रॉस चढ़ना है 2.7 मीटर लगभग 10 फीट के लगभग, और आपको लगभग मतलब 3 मीटर रस्सा चढ़ना है, सॉरी 3 मीटर रस्सा चढ़ना है, और आपको 2.7 मीटर एक खाई है वो जंप करनी है। और इसके अंदर आपको दे रखा है भाई आपको फायर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपको एक्सटिंग्विशर वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी ये आपको पता बता रखा है, इस पते पे भेजना है, जैसे ही आपके पास फॉर्म आ जाएगा आपको फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे, आप भेज देना, ये एड्रेस है जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना है। फिजिकल टेस्ट होने के बाद ये सारा आपको दे रखा है, सिलेबस के बारे में जानकारी दे रखी है,
और क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं वो इसके अंदर जानकारी है। 10th बेस पे है ये, तो आप ये ध्यान से देख लेना, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी दोस्तों आपने जो नोटिफिकेशन देखा है ये अभी तक इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी नहीं हुआ है, जो अभी इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा उसके अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको 45 डेज मिलेंगे, आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा आप फिजिकल के लिए, और सबसे पहले रिटन एग्जाम के लिए और फिर फिजिकल के लिए आप जा सकते हैं। तो ये है, और अगर आपको हमारी जानकारी सही और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी, सही जेन्युइन अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।